हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में कैमरे को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन में कैमरा को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक कर लेना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आपको अपने फ़ोन में यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में वाटरमार्क, और आपको वाटरमार्क ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में यहाँ से बैक हो जाना। बैक होने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके कर्स पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में लीक के ऑप्शन को ऑन कर लेना। यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन को ऑन, कैमरा साउंड को ऑन कर लेंगे, लोकेशन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक शॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको दोनों टैप टू स्टॉप के ऑप्शन को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में इस प्रकार अपने फोन में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर बैक हो जाना। बैक होने के बाद में यहाँ पर आपको हेडिंग के ऑप्शन को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन पे क्लिक करके वॉल्यूम पे क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में रीस्टोर, कि अपने फोन में रीसेट कैमरा सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इसे रीसेट कैमरा सेटिंग भी इनेबल कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फोन में कैमरा सेटिंग इनेबल करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।